कहते हैं माँ का ऋण चुकाने के लिए एक जन्म भी बहुत कम होते हैं। एक लड़का ने उसका माँ का साथ बलात्कार करके उसको मौत की नींद सुला के उसका ऋण चुकाया। हेलो गाइज, वेलकम बैक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ हमारे गाँव के बारे में। वो लड़का का नाम, उसका फैमिली के नाम मैं नहीं बता सकती। एक दिन क्या हुआ, एक आंटी थी, उनके पास चार लड़कियां थे। वो लड़की सारे शादी करके चले गए थे। एक लड़का था, वो मेंटल सा हो गया था। वो उसके बाजू वाले जो थे हमेशा कंप्लेन करते थे, मतलब वो गरीब थे। वो दूसरे वाले जो आंटी थी बहुत गरीब थी, वो बोल रहे थे वो तुम्हारा लड़का हमको ताकाझाकी कर रहा है, हम जो बाहर जा रहे हैं बाथरूम करने के लिए वो झांक रहा है, वो देख रहा है बेडरूम में बाहर के पास आके खिड़की के पास झांक रहा है हम जब सो रहे। लेकिन वो ये जो आंटी थी ना जो मर गई, वो गालियाँ देती थी उनको, वो आंटी को। वो 100% श्योर थी मतलब मेरा बेटा ऐसा ही खतरनाक है, अच्छा नहीं है। लेकिन क्या था, वो दूसरों के सामने वो ऐसा बोलने के लिए वो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बेटा का बदनाम होगा, उसको कोई लड़की नहीं देंगे, उसका शादी नहीं हो पाएगा, खामखा बदनाम होगी घर का। ऐसे सोच के वो मतलब उल्टा उनका बेटा के साथ मिलके झगड़ा करते थे। कहते हैं ना, अगर हम घर के आग को कमर में रखेंगे, ये तो हमारा घर का आग है, हम कमर में रखेंगे या किधर रखेंगे हमको क्या नुकसान है, हमको कुछ नहीं होगा। वो आग छोड़ गया नहीं छोड़ेगा ना, आपको जलाकर राख करके खाक कर देगा। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ। जब दूसरे बोल रहे थे तो वो दूसरों के सपोर्ट नहीं की, वो वही उनको एक दिन भारी पड़ गई। एक दिन रात को क्या हुआ, तो दिन में वो मछली बनाए थे, वो आंटी बनाकर उनको बेटा को दिया, उनके पति को दिया, सब लोग खाए। वो बेटा आधा खाया आधा फेंक दिया, कैसा बनाया घटिया बनाया ऐसे करके झगड़ा किया, उसके माँ को भी बहुत मारा। मारने के बाद वो जाके उसके पति को कंप्लेन की, भाई तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसे कर रहा है, मुझे मार रहा है, मैं इतना काम कर रही हूँ, बेटी लोग बुला रहे हमारे साथ आके रह जाओ, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं देता, ना पति देता है ना बेटा देता है, तुम हमारे साथ आके रह जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, तुम दोनों के मुंह देख के मैं नहीं जा रही हूँ, फिर भी तुम दोनों में से किसी को मेरे ऊपर दया ही नहीं। उसका पति बोला हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ, तुम तो ऐसे पैदा किया हो हम क्या कर सकते हैं। उसका पति को उसके ऊपर गुस्सा थे, इस बात के लिए गुस्सा थी, वो भी कैरेक्टरलेस आदमी था, वो गांजा पी के शराब पी के वो लो कास्ट मतलब औरत को जाके छेड़खानी करता था, सब लोग आके कंप्लेन करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो उसको छोटा बेटा को बोल के अच्छे से कुटवा दिया, मतलब बार बार समझाए उसको वो नहीं समझे, उसके बाद कुटवा दिया। उसका पति का जो गुस्सा था उसके ऊपर। एक दिन रात को क्या हुआ, उससे पहले एक बार उसके साथ वो बलात्कार किया था, वो रो के सारे बेटी को बोल दिया, उसके पति को भी बोल दिया। उसका पति बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, तू उसको इशारा दिया होगा, इतना छूट दिया है तभी तो तुमको ऐसे कर रहा है, लेकिन कौन बेटा ऐसा माँ को करता है, तुम ऐसे मतलब हरकत करते हो कि वो ऐसे करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही बोला। वो रो रो के बेटियों को बोलने, बेटी बोले केस करते हैं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बोले नहीं खामखा बदनाम होगी, जिसके लिए मैं मतलब इतना पड़ी हूँ वो बात खामखा मतलब रूमर में आ जाएगा, उसको कोई लड़की नहीं देगा। ऐसे करने के बाद वो बात को दबरा दिया, ऐसे करके उसका हिम्मत बढ़ गया। कुछ दिन हुआ, सेकंड टाइम वो रात को मछली बनाए इतना दिन में, उस दिन रात को आया, आने के बाद उसको खींचने लगा, वो दौड़ के आ गई, आके उसके पति के पैर ऐसे पकड़ने लगा, मुझे बचाओ बचाओ तुम्हारा बेटा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वो पहले बार ऐसे हुआ था, दूसरी बार ऐसे करेगा तो हम मर जाएंगे, हमको बचा लो। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, बोले हमको बचा लो प्लीज, आप तो सात जन्म के लिए मतलब रिश्ता निभाने के लिए हम हमारे साथ शादी किए हैं, हमारे सुख दुख में साथ देने के लिए हमारी शादी की है, हमको बचा लो, हमारे साथ ऐसा ही कर रहा है, वो हमको बचा लो। वो कुछ नहीं बोला, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करके वो मुंह फेर लिया। वो उसका पति जो था वो 6.5 फीट का आदमी था, हट्टा कट्टा सा बड़ा आदमी, उसका बेटा जो था 5 फीट का पतला सा दुगला सा इतना सा था। वो गिड़गिड़ाते रही, उसका बाल खींच के पीछे से उसका बेटा बाल खींच खींच के उसको बेडरूम में लेके गया। वो रात को थोड़ा सोची, वो
माँ बेटे का रिश्ता है। कितना खतरनाक मंजर है वो। तो जाने के बाद शायद वो बलात्कार करके उसको मार दिया, या उसी दौरान उसका डेथ हो गई, या कुछ होने से पहले उसको हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया पता नहीं, वो मर गई। मरने के बाद वो उनका मिट्टी का घर था, जिधर डोर लगाते हैं ना उसके साइड से ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, लकड़ी में होता है वो, ऊपर की में जाके उसको उसका माँ को बांध दिया, वो मर गई थी। बांध दिया था उसका इधर इधर से पैर तक, मतलब ऐसे मिट्टी को टच कर रहा था, फूल उठा नहीं पा रही थी उसको। कोई भी छोटा सा बच्चा देख के मतलब मालूम पड़ जाएगा उसको मरने के बाद लाके उसको लटकाया है। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए देखने के लिए, गए कोई कुछ नहीं बोला, मतलब सबको मालूम था मतलब वो मार दिया है किसने, वो खुद ही ऐसे कैसे मरेगा, वो पेट तो थोड़ा ऊपर उठना चाहिए तभी तो इधर से जान जाएगा, थोड़ा प्रेशर आएगा तो ऐसे कैसे मर जाएगा। लेकिन उसका पैर ऐसे फोल्ड होके मिट्टी को टच कर रहा था, इतना ऐसा टच कर रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है मरना, खुद ही मरना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह पर मरी थी वो खुद ही आके इधर आके लटक गई, ऐसा तो नहीं है, मतलब 100% किसी ने उसको मारा है। उसका पति जो था वो फोन करके सारे लड़के को बता दिया रात को, तुम्हारे माँ को ऐसे मार दिया वो मर गई। सारे लड़के रो रो के सुबह होने से पहले आके घर में पहुँच गए। आने के बाद उसको अच्छे से कुटाई किए, सारे जितना भाई बहन थे, एक भाई था बाकी लड़के थे, सब लोग मिल के अच्छे से मार के उसको हाथ पर तोड़ दिए। तोड़ने के बाद उसको कुएं की जगह में गिरता रहा, रोता रहा, उसके बाद उसका क्रियाक्रम कर दिया। ऐसे 10 दिन तक वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ था, रो रहा था, उसको हाथ पर तो टूट गया था, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। जिस बात को दुपाने के लिए उसकी माँ ने उनका जिंदगी तहस नहस कर दी, उनके सांसें रुक ली, वो उस बात को कैसे बोल सकते थे। वो सोचे हम नहीं बताएंगे, माँ मरने के बाद हम उसको बदनाम नहीं करेंगे। उनको यही बात सही लगा, ये सोच के वो किसी से कुछ नहीं बोले, ऐसे करके वो उनको दफना दिए। कहते हैं ना वो गलती जो होता है ना वो गलती होता है, चाहे अपने करे या पराए, जो अपने गलती करे तो वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो उसका मुकाबला करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसकी माँ ने ऐसा नहीं किए थे, वो दूसरा है सोच के वो ऐसे ही बदनाम कर रहे थे, वही बात उनको भारी पड़ गई, उसी कारण उसके माँ की डेथ हो गई। लोग 7 जन्म तक माँ के ऋण चुका नहीं पाते, हमको माँ ऐसे ऐसे करके पैदा किए हैं, बड़े किए हैं, हमारे सुख दुख में साथ दिए हैं, हमारे तबीयत जब खराब होता है वो कितना हमको मतलब हमारी सेवा करती है, हमारे खुशियाँ के लिए क्या कुछ नहीं करती है। लेकिन उसका जो बेटा था वो उसका ऋण ऐसे करके चुकाया, उसका जान लेके कुछ सोचने पर भी डर लगता है। वो बात सोचने पर दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता, चाहे अपना हो पराए, भरोसा करने से पहले डर लगता है कहीं वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो कहीं वो उस तरफ तो नहीं है ना, उसका जैसा तो नहीं है ना, डर लगता है यार। मतलब हम वो अंचल को जानते हैं, उसका माँ को जानते हैं, सारे फैमिली वाले को जानते हैं, नहीं जानते वो कहानी जैसा हम इधर पढ़े होंगे सुने होंगे तो फिर सोचेंगे चलो शायद वो ऐसा होगा कैसा होगा पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वो जैसा थे हम सबको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे होते हैं कुछ खास राक्षस, वो सोचिए दूसरे को मतलब वो सामने आएंगे वो पता नहीं क्या कुछ करेंगे, जो खुद को माँ को नहीं छोड़ा वो दूसरे के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। वो आज तक उसका शादी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, उसको श्राप लगा है, वो तो सुखी नहीं रहेगा। 10 दिन काम करते हैं ना, उसका गरीबी खत्म करने के बाद उसको हॉस्टल वो लेके गए थे सब लोग मिलके, वो तकलीफ देखने को नहीं होता था, लेके गए प्लास्टर वगैरह करके लेके आ ला के उसको छोड़ के सब अपने अपने काम पे चले गए। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब यकीन नहीं होता, आँखों पर खुद की आँखों पर यकीन नहीं होता, खुद की कानों पर भरोसा नहीं होता, सच में ऐसा हुआ होगा क्या, मतलब दिमाग सुन पड़ जाता है, काम करना बंद करता है दिमाग, एक्चुअल क्या है वो, क्या सच में ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे लोग का क्या काम, भगवान उठाते क्यों नहीं उनको,
सच में यार इतना बुरा लुक, मतलब जिन्हें मेरे रखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कब उनका पाप खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके देखो, पाप खत्म होना तक रखना नहीं है, उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। भगवान मारेंगे, सब लोग देखेंगे वो जैसे क्या है, वो भी ऐसे ही, क्योंकि उसका जान भी जाएगा, उससे सोगुना होके ज़्यादा होके जाएगा, लेकिन क्या है ना, भरोसा नहीं होता, क्या करें यार।